हेलो दोस्तों, मैं हूं डेविल और आप देख रहे हैं 123 सक्सेस क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओजोन के बारे में। अब नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी एग्जाम में आपके ओजोन से संबंधित सवाल आते हैं तो आपके एक भी गलत नहीं होंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, जो ओजोन गैस होती है, ओजोन गैस इज ए पॉइजनस गैस, मतलब ये जहरीली होती है। दोस्तों, ओजोन गैस होती है, जहरीली होती। पूरी संपूर्ण जानकारी दूंगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओजोन का सूत्र होता है O3। इसको किस चीज से डिनोट करते हैं? O3 से। ये जो होती है ओजोन होती है, ये होती है टॉप लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, मतलब हमारे वातावरण की या वायुमंडल की टॉप लेयर, मतलब सबसे ऊपरी परत होती है जिसे हम ओजोन कहते हैं, जिसका सूत्र क्या होता है? O3। ठीक है, अब ये बनती कैसे है ये समझ लीजिए, मतलब O3 का निर्माण कैसे होता है। जैसे ये सन है और ये यूवी रे जा रही है अंदर, यहां जो ये हमारी अर्थ है, ये है हमारी अर्थ। अर्थ से दोस्तों क्या होता है कि अर्थ से ऑक्सीजन हमें मिलती है पेड़ पौधों के थ्रू, ऑक्सीजन। और जो यूवी रेज होती है ये ऑक्सीजन को दो भागों में तोड़ देती है, मतलब ओ अलग हो जाएगा, ओ अलग हो जाएगा, और फिर यही ऑक्सीजन जुड़कर ओजोन का निर्माण कर लेगा या O3 का निर्माण कर लेगा। अब देखिए कैसे बनती है। जो ऑक्सीजन होता है, जब इसमें यूवी रेज पड़ जाती है, ऑक्सीजन में यूवी रेज पड़ जाती है, तो ये ऑक्सीजन एक अणु अलग हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल्स इसके अलग हो जाएंगे, और यही एक मॉलिक्यूल्स जब एक नए ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो क्या बना लेगा? O3 अर्थात ओजोन का निर्माण कर लेगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस ऑक्सीजन टूटता है, फिर ऑक्सीजन जुड़ता है, तभी ओजोन बनता है। ठीक है, समझ में आया? ऑक्सीजन पॉइजनस गैस, टॉप लेयर, O3 सूत्र होता है, कैसे निर्माण होता है, ये देखिए पूरा डायग्राम सही से। वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए, और नोट्स के लिए ना दोस्तों, अगर आपको नोट्स चाहिए तो संपर्क करेंगे व्हाट्सएप पर, फ्री में नोट्स भी देंगे। अब देखिए, इसका हार्मफुल मतलब इसमें जो इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब ये खराब हो रही, टूट रही, सब कैसे हो रही, कैसे मतलब हो रहा है, तो जो हार्मफुल है दोस्तों, ये होता है CFC के कारण। CFC के कारण क्या होता है कि ये जो होता है CFC दोस्तों जो होती है, इसे हम बोलते हैं क्लोरो फ्लोरोकार्बन, इसका फुल फॉर्म होता है CFC का फॉर्म क्लोरो फ्लोरोकार्बन। इसके कारण जो हमारी यहां से फ्रिज है, स्कूटर्स हैं, बाइक्स हैं, और ढेर सारी जो गाड़ियां हैं, यंत्र हैं, उनसे हमारी CFC गैस इंक्रीज होती है, इसी कारण वहां पे हानि पहुंचती है ओजोन को। और दोस्तों, ये जो क्लोरीन गैस होती है, CFC मतलब इसी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से अधिकतर जहरीली या खतरनाक गैस ओजोन के लिए क्लोरीन गैस है। जो Cl2 होती है, ये O3 अर्थात ओजोन से क्रिया करके ClO बना लेती है और ऑक्सीजन गैस बाहर कर देती है, अर्थात ओजोन गैस को नष्ट कर देती है। दोस्तों जो ओजोन की यूनिट होती है, ओजोन की जो यूनिट होती है उसे हम कहते हैं डॉप्सन। उसे क्या कहते हैं हम? डॉप्सन। ओजोन की यूनिट इज कॉल्ड डॉप्सन। दोस्तों, ओजोन की जो, जैसे ये ओजोन है, अभी कितनी मोटी है, कैसे, कुछ मतलब कुछ पता नहीं है ना आप लोगों को, तो अगर इसको मापने के लिए, इसकी मोटाई को मापने के लिए आप डॉप्सन का इस्तेमाल करेंगे, तभी आपको पता चलेगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और 123 सक्सेस क्लासेस में बने रहिएगा, और कमेंट करके बता दीजिए अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।